किसानों की जीवन रेखा नई सहकारी चीनी मिल का निर्माण कार्य मार्च माह के अंत तक पूरा होगा। अब तक सिविल और मैकेनिकल को मिलाकर 80-85% कार्य मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नई मिल में गन्ना पिराई का ट्रायल लेंगे। आपको बता दें कि उपायुक्त एवं चीनी मिल के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने सोमवार को चीनी मिल के निर्माण स्थल का दौरा करने के दौरान ये जानकारी दी। उनके साथ चीनी मिल की प्रबंध निदेशक अदिति भी थी। उपायुक्त ने बताया कि नई चीनी मिल 263 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी। इसकी क्षमता भी पहले से ज्यादा होगी, अर्थात पुराने मिल की 2200 टन प्रतिदिन गन्ने की पिराई क्षमता नई मिल में 3500 टन प्रतिदिन रहेगी। इसी प्रकार पूरे सीजन में गन्ना पिराई का लक्ष्य भी 35 लाख क्विंटल से 55 लाख क्विंटल होगा। उन्होंने बताया कि अब तक पुरानी मिल में 21,30,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है, जो कि गत वर्ष इस अवधि में 20,88,000 क्विंटल की गई थी। उन्होंने बताया कि नए चीनी मिल में आधुनिक मशीनरी लगाई जा रही है ताकि ये लंबे समय तक कार्यकुशल बना रहे। सिविल और मैकेनिकल का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, मात्र पाइपलाइन वगैरह का काम पेंडिंग है जो मार्च के अंत तक निपटा लिया जाएगा। अब तक बॉयलर, टर्बाइन, कंट्रोल रूम, कैन कैरियर व लोडर, कूलिंग टावर तथा VFD का काम लगभग मुकम्मल हो गया है। उन्होंने अब तक हुए कार्य को देखकर हालांकि संतुष्टि जाहिर की, लेकिन निर्माण इंजीनियरों को यह भी कहा कि मैन पावर बढ़ाकर काम को पुल अप करें। इसके लिए भले ही डबल शिफ्ट कर ले, कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी काम हो उसे साथ साथ अच्छी तरह से चेक करते रहे ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत से बचा जा सके। निरीक्षण में उन्होंने मिल हाउस की क्रशिंग मशीनरी, कैंटीन और गोदामों का भी निरीक्षण किया। बताते चले कि मौजूदा चीनी मिल में गन्ना पिराई का काम भी जोरों पर चल रहा है। पिराई सीजन अप्रैल तक चलेगा, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत पेश नहीं आ रही है, अर्थात अप्रैल तक सभी किसानों का गन्ना मिल में पिराई के लिए आ जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में करनाल का चीनी मिल अंदर रिकवरी जोन में गन्ना विकास को लेकर न केवल नॉर्थ इंडिया बल्कि पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है। खास बात यह है कि वर्ष 2013 से लेकर अब तक केवल वर्ष 2018 व 19 सत्र को छोड़कर इस तरह की लगातार उपलब्धि हासिल करने वाला करनाल प्रदेश का पहला चीनी मिल है। आगामी 25 से 26 मार्च को इस उपलब्धि के लिए मिल प्रबंधन को सम्मानित किया जाएगा। जी सर, आज हमने शुगर मिल में जो हमारे रेनोवेशन का काम चल रहा है, शुगर मिल नई शुगर मिल बनाने का काम चल रहा है, उसका निरीक्षण किया। नई शुगर मिल बनने के बाद इसकी जो क्षमता है वो 2200 टन क्रशिंग पर डे है, उससे बढ़ के 3500 हो जाएगी। और अभी हम लगभग 35 लाख क्विंटल इस सीज़न में क्रश करते हैं गन्ने का, वो क्षमता बढ़ के लगभग 50 से 55 लाख क्विंटल की कैपेसिटी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि मार्च के अंत तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा और अप्रैल के पहले हफ्ते में ट्रायल के बेसिस पे हम इस नई शुगर मिल को चला पाएंगे। लगभग ज़्यादातर चीज़ों का कार्य जो है वो कंप्लीशन की तरफ है, 80-90% काम मोस्टली हर एक कंपोनेंट का हो चुका है। और जो ज़िले के और एरिया के किसान हैं, विशेष रूप से जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं, उनको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। कैपेसिटी क्षमता बढ़ने के साथ साथ हम आसपास का एरिया है उससे भी गन्ना ले पाएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में इसका ट्रायल रन हम शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक